नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। भारत को अपना अजीज दोस्त बताने वाला अमेरिका एक बार फिर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर भारत की छवि को एक बार फिर धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। आज हम अमेरिका के उसी झूठी रिपोर्ट का चीरफाड़ करेंगे जिसमें भारत को विलेन दिखाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा देश को इस रिपोर्ट से खबरदार करना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में सिलेक्टिव होकर भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता को नकारने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट में देखिए, खुद को दुनिया का सुपर पावर मानने वाला अमेरिका भारत को अपना दोस्त बताता है, लेकिन पीठ पीछे भारत को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत की धार्मिक के स्वतंत्रता के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले का जिक्र किया गया और भारत से इन धार्मिक हिंसाओं की निंदा करने के लिए कहा गया। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि इन चिंताओं के संबंध में हम सरकार को हिंसा की निंदा करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अमानवीय बयानबाजी करने पर जवाबदेही ठहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने सिविल सोसाइटी के सहयोगियों और पत्रकारों के साथ मिलकर जमीन पर काम करना जारी रखेंगे जो हर दिन इनमें से कुछ दुर्व्यवहारों और दस्तावेजीकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति अमानवीय बयानबाजी करने वालों को जवाबदेही ठहराने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करने की बात की गई, जिसमें भारत का नाम भी शामिल था। यानी कि अमेरिका की माने तो भारत में धार्मिक हिंसा होती है और सरकार इसे रोकने में असफल है। खास बात यह है कि अमेरिका की इस रिपोर्ट में पश्चिम देशों का जिक्र नहीं किया गया। यानी कि अमेरिका के अनुसार पश्चिम देश पाक साफ है और वहाँ कोई भी धार्मिक हिंसा नहीं होती। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका दौरे पे जा रहे हैं, उससे ठीक पहले अमेरिका की ये रिपोर्ट उसकी दोस्ती पर कई सवालिया निशान खड़े करती है। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की ओर से भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई हो। इससे पहले 2022 में भी अमेरिका को धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि USCRF ने ऐसी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें भारत के रहने वाले अल्पसंख्यकों के ऊपर चिंताएं व्यक्त की गई और धार्मिक हिंसा को लेकर भारत को विशेष चिंता वाली कैटेगरी में चिन्हित कर ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश की गई। हैरानी की बात यह है कि तब भी उस रिपोर्ट में पश्चिमी देशों का जिक्र नहीं था। मतलब साफ है कि भारत की बढ़ती ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लिहाजा दोस्ती की आड़ में भारत को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश अमेरिका कर रहा है।